बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ वो है मूली भरे पराठे। मूली भरे पराठे शायद आप लोग सभी बनाते हों, लेकिन ये इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि इनमें किसी किस्म की मूली की स्मेल या उसकी जो स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट होता है वो नहीं होगा मेरे घर में। और हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के घर पे मूली के पराठे इस वजह से नहीं खाए जाते क्योंकि इनका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी मूली का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लाई हूँ जो आपको मूली के पराठों का भी मज़ा देगी और इसके अलावा जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी नहीं आएगा मूली। हमेशा की तरह रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली मिलें। सबसे पहले तो हमने ले लेनी है मूली और उसको छील लेना है, ठीक है। और ये मैंने जो है वो 3 किलो मूली ली है। छीलने के बाद इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, मैंने मशीन में किया है। आप लोग हाथ वाली चीज़ से चाहें तो उस तरह से कद्दूकश कर लें। और ये मशीन में कद्दूकश हुई हुई मूली है। अब मेन स्टेप है कि इसका हमने पानी निकालना है, तो बजाय निचोड़ने के मैं सबसे पहले इसको पानी में से 6 से 8 मरतबा धोऊंगी। टैप वाटर में मैंने इसको धोया है और 6 से 8 मरतबा जो है वो मैंने ये पानी निकाल दिया है। और उसके बाद जो है मैंने इसको छब्बी में डाल के और पानी को अच्छी तरह से निकाल दिया। क्योंकि मूली का पानी इतना आसानी से नहीं सूखता तो इस वजह से मैं 2 पैंस ले लिए हैं और वो बिल्कुल ड्राइड है, उसमें कुछ भी नहीं डला हुआ। और उसमें आग लगा दी है ताकि जो है जो ये जो मूली है जो बाकी इसका पानी रहता है वो उसमें ड्राई हो जाए। जब मूली का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो वो इस तरह से कलर अपना चेंज कर लेता है। और उसमें जो है अब मैं मज़ीद इसको प्रिपेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मूली ब्राउन साइड पे हो गई है, ठीक है। तो इसका पानी अब बिल्कुल सूख चुका है और सुकड़ भी गई है, तो इस वजह से मैंने 2 के बजाय 1 पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब आपने एक पैन ले लेना है और उसमें ऑयल ऐड कर दें। इस गरम ऑयल में आपने स्प्रिंग अनियंस ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास फ्रेश स्प्रिंग अनियंस हैं तो वो ऐड कर दें। मेरे पास फ्रोज़न स्प्रिंग अनियंस थे तो मैंने फ्रोज़न स्प्रिंग अनियंस ऐड कर दिए हैं। स्प्रिंग अनियंस को चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला लें क्योंकि मेरे वाले जो हैं वो डीफ्रॉस्ट होने वाले हैं, तो मैं इस वजह से भी चला रही हूँ ताकि थोड़े से डीफ्रॉस्ट हो जाएँ ताकि मैं बाकी के मसाले इसमें ऐड कर सकूँ। अब आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग अनियंस का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये भी मेरे पास फ्रोज़न थी। अगर आप फ्रेश ऐड करना चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं जिंजर यानी कि अदरक जो है वो भी ग्रेट हुई हुई है और वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें ज़ीरा ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें अजवाइन ऐड कर दें। और आपने इसके अंदर सूखा जो पिसा हुआ धनिया पाउडर होता है ना, वो आपने वो भी ऐड कर लेना है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी मैं ये इंग्रेडिएंट्स या मसाले ऐड कर रही हूँ वो सारे इस तरह के हैं कि इससे मूली की स्मेल जो होती है ना स्पेसिफिक किस्म की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब तमाम मसालों को आपने आपस में मिला लेना है और इसमें आपने ऐड करना है मेथी दाना, ठीक है। चंद दाने मेथी दाने के भी ऐड करने हैं, इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा इसमें राई दाना ऐड करना है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा मूली के पराठे का। अब तमाम मसालों को हल्का सा पकाने के लिए हम इसमें चम्मच चला लेंगे। और इसके अलावा ये भी हो जाएगा कि वो मसाले हल्के हल्के पक जाएंगे और खुशबू हो जाएगी। जब अच्छी तरह मसाले पक भी गए, उनकी खुशबू आने लग गई, तो उसके अंदर जो है हमारी जो मूली थी जो हमने ड्राई की थी वो हमने इन मसालों में ऐड कर देनी है। मूली पैन में ऐड करने के बाद मीडियम तकरीबन आंच पे आपने अच्छी तरह से मूली पका भी लेनी है और तमाम मसालों को मूली के अंदर मिक्स कर देना है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जाहिर सी बात है सारे मसाले जो हैं वो मूली के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब हम मूली के अंदर सीजनिंग ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें हमने ऐड कर देना है हरा धनिया। अगेन वो मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने फ्रोज़न ऐड किया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो है वो हल्दी भी ऐड कर देनी है और फिर इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से कंबाइन कर देना है, मिक्स कर देना है ताकि ये सारे आइटम्स यकजा हो जाएं।
एक मज़े का इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करना भूल गई, बल्कि उसको आखिर में ऐड करना ही बेहतर होगा, वो है अनारदाना। वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब आपकी फिलिंग रेडी है, इसको आग बंद करके ठंडा होने के लिए रख दें। अब जो एक रोटी होगी उसके अंदर जो है ना, आप वो जेनरस अमाउंट में ये मूली वाला मसाला भर देंगे। जो हमने मूली प्रिपेयर की है फिलिंग के लिए, वो आपने अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इसमें रोटी के अंदर, जो हमने नॉर्मल साइज़ की एक रोटी बनाई है उसके अंदर भर देंगे। जब आपको लगे कि आपने अच्छी खासा मूली जो है वो भर दी है जो रोटी के अंदर, तो अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे रोटी के, जो हमने उसी साइज़ की रोटी बनाई थी उस पीस के साथ। और इसको जो है वो हम किनारों से दबा लेंगे और ऊपर से भी अच्छी तरह से दबा लेंगे, ताकि जो है वो हमारी जो फिलिंग है वो पराठे के अंदर पैक हो जाए। अब बहुत एहतियात के साथ आपने इसको बेल लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि ये फट के बाहर निकल आए। तो वैसे तो हमने रोटियों का साइज़ इस तरह का रखा है कि ये फटेगी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात के साथ आपने इसको बेल लेना है। एक तवा अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और उसके बाद जब आपकी रोटी बेल जाए तो वो आपने तवे पे डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से पकाना है, फुल आंच पे करना है ये सारा काम। रोटी एक दो बार पलट लें जिससे रोटी दोनों साइड से पक जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर तेल या घी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, वो ऐड कर लेंगे। इवन आप इसके ऊपर बटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी टोटली प्रेफरेंस होगी कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। चिमटे की मदद से हल्का हल्का रोटी को चलाते रहें और देखते जाएंगे आप कि आहिस्ता आहिस्ता रोटी उस साइड से जहाँ पे ऑयल बटर या घी लगा हुआ है पकती जा रही है। जब एक तरफ से रोटी पक जाए तो फिर इसको हमने पलट लेना है, ये लाइट ब्राउन सा बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह से घी, तेल या बटर आपने लगा लेना है और आपकी रोटी तैयार है। गर्मा गर्म मूली का पराठा मज़ेदार से रायते के साथ सर्व करें और इसको गर्म गर्म खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इस रेसिपी को फ्यूचर के लिए सेव करें।